इमोशन है जो अंदर से आता है, निकालो अंदर से, निकालो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है एक ट्रैवल वीडियो जो कि मैंने लास्ट ईयर शूट किया था और पोस्ट करने में मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है आफ्टर मैरिज। हम दोनों पूरी जा रहे हैं भगवान के सामने मत्था टेकने और उनको थैंक यू बोलने के लिए। तो काफ़ी छोटा सा ट्रिप था। नाइट शिफ्ट करने के बाद सुबह की फ़्लाइट लेकर के हम लोग पहले जाते हैं भुवनेश्वर, वहाँ दीदी से मिलेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे पूरी। बस मचलते हुए पहुँच गई मैं इधर एयरपोर्ट और रनिंग नहीं हुई है बिल्कुल। एनर्जी लेवल तो बिल्कुल हाई है बॉस। और हम लोग और ज़्यादा भी एक्साइटेड थे क्योंकि ये हम दोनों का पहला ट्रिप था। सो हंसते खेलते वीडियो बनाते थके हुए हारे हुए दोनों जा रहे हैं। यहाँ ये तो सो गए, इनको बस शांति चाहिए होती है और कंधा चाहिए होता है, मुझे नींद नहीं आती इस तरह से। और यहाँ हम लोग पहुँच गए, क्या कह रहे हैं, चलता है। हालत खराब हो गई थी एक्चुअली। क्या हुआ फिर हम लोग यहाँ पे अपने लगेज का वेट कर रहे हैं और दीदी और जीजू बाहर आ चुके हैं, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। वहाँ से वाया रोड हम लोग पूरी जाने वाले हैं सेम डे। एनर्जी लेवल देख रहे हैं, ये लपक लिया। और अब हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। पहुंच गया, ये बाहर आकर के वेट कर रहे थे। और यहाँ मिली है मेरे दो लिटिल मॉन्स्टर से डुगू एंड रिशु, माय क्यूटी पाई। फ्लाइट में कुछ खाया नहीं था, शायद हमने कुछ बर्गर वगैरह और ये किया था बट मज़ा नहीं आया वहाँ पे खा के, तो बहुत हालत ख़राब थी। और यहाँ पे मेरे चेहरे पे आप सी बीच पहुँचने की खुशी देख सकते हैं। पता नहीं, मुझे समुद्र देख के पता नहीं क्या ही हो जाता है। और मैं यहाँ पूछ रही हूँ हम लोग कहाँ आए बताओ, तब से बता रही हूँ और मैं खुद ही पूछ रही हूँ कि हम लोग कहाँ आए हैं। ये रहा पीछे सी बीच। हम लोग रुके थे थोड़े आउटर पे, ये होटल बालाजी इंटरनेशनल था शायद, क्योंकि रश वाले जगह पे मार्केट प्लेसेस पे उतना मज़ा नहीं आता हमारे जीजा जी को। सो बस ऐसे ही हम लोग पहुँच गए अपने रूम। रूम पहुंचने के बाद सब फ्रेशन अप होने लगे, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा। भाई साहब, मुझे तो देना है पोज, मेरी एनर्जी बनी पड़ी है। ये शाम को हम लोग थोड़ा गए थे क्योंकि उसके बाद भयंकर लंच करने के बाद हम लोग सो गए थे और थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, बट ठीक है, कोई नहीं, रेस्ट भी ज़रूरी है। उसके बाद आए यहाँ पर कुछ सी फूड ट्राई करने। मैं तो वीडियो बनाने आई थी बट इन लोगों ने भी नहीं खाया। एक होटल इतना पसंद आया, खरीद लिया, रजिस्टर भी कर लिया, उनका नाम पे रख दिया। देखो होटल कैसा है, उनके नाम पे होटल। उसके बाद हम लोग आए रूम पे और बहुत सारी मस्ती की, फिर डिनर किया। आज कैप्शन बता दे, इसमें क्या कैप्शन दिया जाए बताओ, कैसे बताओ ना। इस कैप्शन एक फीलिंग है, अरे तो इमोशन है जो अंदर से आता है। निकालो अंदर से, निकालो, कहां से निकालना है बताओ। मंदिर जाने का प्लान था, सबसे पहले सुबह उठ के बीच जाना था, जो कि मैं फ़ोटो रेडी होके आई थी। मुझे भीगने का कोई शौक नहीं था, मुझे सी पसंद है बट सी के साथ वो जो फ्री में सैंड आता है ना, वो पसंद नहीं है। तो ये आ गई हमारी हीरोइन रेडी होके। यहाँ पे भी हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए और उसके बाद यहाँ से आ गए। अभी बिगड़ना था जैसे। और यहाँ पे पूरी तरह से नए जोड़ों की तरह हम दोनों तैयार होके, सभ्य साड़ी बन के, और हम लोग रेडी हैं। फिर होटल से किया चेकआउट, अपने आप को भी किया थोड़ा सा चेकआउट और फिर निकल गए। ऑल ओके, ऑल गुड एकदम। इनको देखो, शूज का पैकेट, जूते का पैकेट और हाथ नहीं है, लेकिन घूम रहे हैं। यहाँ से हम लोग फिर मंदिर गए, वहाँ पे कोई क्लिप नहीं लिया मैंने। वहाँ से हम लोग आए बुद्धा टेम्पल। ऑन द वे जो है पुरी और भुवनेश्वर के बीच में, ये रहा कलिंगा वॉर जहाँ हुआ था पीछे। यहाँ भी मुझे रील बनाना है भाई, वो तो ज़रूरी है, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता।
बीच में नील को तो घसीटना बनता है फुटेज के लिए। उसके बाद हम लोग बाय रोड दीदी के घर आ गए। ये शाम का क्लिप है, इतना हालत ख़राब था। एंड या बाय द वे, मैंने साड़ी से ड्रेस चेंज हाँ रेडी कैब में रेडी गाड़ी में। सोचो कोइंसिडेंटली उसी दिन दीदी और जीजू का मैरिज एनिवर्सरी था। जीजू गिफ्ट लेके आए थे कैरेट लेंस से, ये वाली काफ़ी सुंदर थी। मैं रोई अभी तो हंस रही हो ना। थैंक यू बोलो। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग चाय पीते हैं और फिर करते हैं नाश्ते की तैयारी। दीदी चिल्ला बना रही थी तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो चिल्ला चिल्ला खाएंगे। यहाँ पे देखो हो रहा है नाश्ते के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है चिल्ला। यहाँ पे बैटर बनाया है जिसमें है ग्रेट किया हुआ गाजर, प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ता और स्वाद अनुसार मिर्ची। कंसिस्टेंसी अच्छा होना चाहिए मसाले का और जिससे कि तवे पे अच्छे से फैल जाए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पे पूरे प्रोसीजर के साथ दीदी दिखा रही है और ट्रस्ट मी, मैंने ये वीडियो एक दो बार देखा है जब बना रही थी तो, और इससे काफ़ी हेल्प मिली थी मुझे। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं ऑमलेट जैसा ना। उसके बाद आज का प्लान था कि लंच वगैरह करके ही हम लोग बाहर घूमने के लिए जाने वाले थे, जैसे खंडगिरी और कुछ लोकल प्लेसेस। अब इसको करेंगे फ्लिप। यहाँ पे हो जाने के बाद हम लोग गेट रेडी शूट कर रहे थे तो जो कि कुछ ऐसा निकल के आया हमारा गेट रेडी। तब तक दीदी का मूड थोड़ा ख़राब हो चुका था, पता नहीं कुछ तो हुआ था जो कि यहाँ पे फेस देख के पता चल जाएगा। जैसे स्टार्ट किया नाक सूख का होता रहता है, बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उसके बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ खंडगिरी, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है पहाड़। मैं तो किसी तरह से पहुंचाई गई ऐसा कह सकते हैं। इनको मैं यहाँ पे थैंक यू बोल रही हूँ मुझे झेलने के लिए। काफ़ी अच्छी जगह थी बट अफसोस कि हम लोग लेट हो चुके थे। ये मैं नाटक कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी मतलब मुझे चढ़ाया जा चुका था फिर भी मैं इधर फुटेज खा रही हूँ। नहीं मैं इतना कर पाई वही बहुत है, मेरे लिए तो बहुत है। और यहाँ पे रील्स क्वीन का रील बनाते हुए थोड़ा सा पोज देते हुए फिर हम लोग घर आ जाते हैं। बाहरी डिनर किया था शायद और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 बजे की क्लिप। अब हम लोग कोलकाता के लिए निकलने वाले थे। यहाँ पे मैं दीदी का भाव छोड़ने दो, हम लोग आ रहे हैं। नहीं ये कह रही है कि सुबह सुबह मेरा वीडियो मतलब मैंने मेकअप नहीं किया है। इसको बहुत नींद आ रही है। ये हो गया हमारा आशीर्वाद लेना। मैं सबको टाटा बाबा है सी यू बोल करके हम लोग निकल गए और हमारी ट्रेन शायद 5:30 की थी। हाँ हम लोग ट्रेन पे बैठने के बाद थोड़ा नाश्ता किए, चाय पिए और जैसे कि जर्नी सिर्फ 7 घंटे की थी तो इस तरह से हमारा ट्रिप पहला हुआ पूरा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।